अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च का बड़ा दावा, सेवी चीफ माधवी बुट और उनके पति का अडानी विवाद से कनेक्शन है। सेवी चीफ ने आरोपों को गलत बेबुनियाद बताया। हिंडनबर्ग पर नए खुलासे को लेकर हमलावर हुआ विपक्ष, आप सांसद संजय सिंह ने कहा यह अडानी का नहीं नरेंद्र मोदी और बीजेपी का घोटाला है, फर्जी कंपनी बनाकर निकाले गए हजारों करोड़ रुपए। हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर पवन खेड़ा ने कहा इस मामले पर भी होना चाहिए जेपीसी का गठन, तभी मामले की सच्चाई सामने आएगी, राहुल गांधी ने पहले ही दी थी जानकारी। महाराष्ट्र की सियासत में पोस्टर वॉर, उद्धव गुट के शिव सैनिकों ने कोल्हापुर में एमएनएस ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर्स और होर्डिंग्स पर जमकर तोड़फोड़ की। उद्धव ठाकरे के कार्यक्रम में प्रदर्शन करने वाले एमएनएस कार्यकर्ताओं पर एक्शन, 44 कार्यकर्ताओं के खिलाफ नौपाड़ा थाने में मामला दर्ज, कल महाराष्ट्र के थाने में काफिले पर फेंकी गई थी गोबर और चूड़ियां। मौजूदा राजनीतिक हालात को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने मातोश्री पर बैठक बुलाई है, दोपहर 12:30 बजे के करीब विधायकों सांसदों के साथ मंथन करेंगे, ठाणे के शिवसेना भी नेता भी शामिल। महाराष्ट्र के ठाणे में उद्धव ठाकरे ने फिर अमित शाह को अहमद शाह अब्दाली से कंपेयर किया, कहा हमें चाहिए बीजेपी मुक्त श्रीराम। उद्धव ठाकरे की गाड़ी पर हमले के बाद बिना नाम लिए संजय राउत का अमित शाह पर हमला, कहा कि अहमद शाह अब्दाली के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, 2 महीने बाद एक्शन का दिखेगा रिएक्शन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से एनकाउंटर, कोकेरनाग इलाके में मुठभेड़ में 2 जवान शहीद, 1 जवान जख्मी, आम नागरिक की भी मौत। एहलान गोडेले में आतंकियों के छिपे होने की खबर है, जवानों ने पूरे इलाके को घेरा, सर्च ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी। प्रियंका गांधी ने 2 जवानों की शहादत को नमन किया, कहा ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे, परिजनों के लिए गहरी संवेदनाएं। मूसलाधार बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कें तालाब बन गई, शीतला माता मंदिर के पास सड़कों पर घुटने भर का पानी लगा, गाड़ियों की आवाजाही में मुश्किल। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश की तबाही वाली तस्वीरें, आज भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है, दिल्ली के लिए येलो अलर्ट। हिमाचल में मॉनसून के दौरान बारिश का कहर, प्रदेश भर में अब तक 185 लोगों की मौत, 5 नेशनल हाईवे समेत 288 सड़कें बंद, अगले 24 घंटे के लिए मंडी कुल्लू समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। भारी बारिश से बढ़ा नर्मदा नदी का जलस्तर, खतरे के निशान को देखते हुए सरदार सरोवर डैम के 5 गेट खोले गए, तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, आसपास के गांवों के लिए अलर्ट जारी। केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे पर खतरनाक हुआ सफर, डोलिया देवी के पास लगातार पहाड़ टूट रहा है, डोलिया देवी के पास केदारनाथ हाईवे आज सुबह से बंद। बूंदी में फिर दिखा पानी का रौद्र रूप, मूसलाधार बारिश के बाद सड़क पर बहता दिखा पुलिस का बैरिकेड, पहाड़ों से आने वाले पानी ने जमकर कोहराम मचाया, रास्तों पर कब्जा किया पानी। राजस्थान के कई जिलों में जारी है बारिश का सितम, गंगापुर सिटी में सड़कें दरिया बनी तो दुकानों और घरों में भी पानी घुसा, प्रशासन ने अगले आदेश तक स्कूल्स को बंद करने का आदेश जारी किया। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश से शहर की गलियां रास्ते जलमग्न हुए, अजीतगढ़ इलाके में घरों में पानी घुसा, बारिश का लोगों को आने जाने में परेशानी। हिमाचल में शिमला सिरमौर नेशनल हाईवे पर मलबा आया, सतोन कस्बे के पास पहाड़ का भारी भरकम हिस्सा सड़क पर जा गिरा, मलबा आने से सड़क पर आवाजाही बंद हो गई। बीजेपी अध्यक्ष, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का आज हिमाचल दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा करेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, रामपुर में तबाही वाले इलाके का भी जायजा लेंगे। हिमाचल के मंडी में जमीन खिसकने से हड़कंप, पेट्रोल पंप के पीछे की पहाड़ी भरभरा कर गिरी और बाल बाल बचा पेट्रोल पंप, जान माल के नुकसान की खबर नहीं। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे के पास डोलिया देवी के पास एक पहाड़ का हिस्सा टूटा, सड़क पर बोल्डर गिरा, देर रात केदार घाटी में जोरदार बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के रजौरी में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड, सड़क पर बिछा मलबा, दहशत में है इलाके के लोग।
जिंदगी को जोखिम में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर हुए मंडी के स्टूडेंट्स। पीपली के गांव रोपा की तस्वीरें सामने आई हैं। पैर फिसलने से एक महिला पानी में गिरते गिरते बची। उत्तराखंड के नैनीताल में नैनी झील में पानी से लबालब नैनी झील। लगातार बारिश के चलते झील ओवरफ्लो, खतरा देखते हुए झील के गेट खोले गए। बारिश ने बिगाड़ी शहर की सूरत। तंबाला में बारिश के बाद सड़कों पर भारी जल भराव, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। यूपी के प्रयागराज में उफान पर गंगा और यमुना नदी। रिहायशी इलाकों में भी बाढ़ का पानी दाखिल है। नदी के किनारे मंदिर मठ में पानी भरा, कई गांवों के संपर्क टूटे। वाराणसी में गंगा वरुणा नदी की वजह से कुछ इलाकों पर मंडरा रहा है बाढ़ का खतरा। वरुणा कॉरिडोर मार्ग पर गाड़ियों का आना जाना बंद है। रिहायशी इलाकों के डूबने की स्थिति बनी हुई है। वाराणसी के गंगा का जलस्तर घटा है, लेकिन काशीवासियों को कोई राहत नहीं है। अभी भी गंगा के घाट डूबे हुए हैं। नाव संचालन पर पूरी तरह से रोक। बिहार के सहरसा में उफान पर बह रही है कोसी नदी। सड़क तक नदी का पानी आया, कई गांव का आपस में संपर्क टूटा। जान जोखिम में डालकर रास्तों पर सफर कर रहे हैं लोग। पटना में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। कृष्णानगर घाट तक पहुंच गया है गंगा का पानी। घाट पर बना फुटवे भी पानी में डूब गया है। आने जाने वाले लोगों के लिए प्रशासन ने बालू के बोरों का इंतजाम किया है। बिहार के हाजीपुर में नदी के बहाव में बहा एक और पुल, कई गांव का संपर्क टूटा। हजारों लोग प्रभावित हुए। 20 साल पहले विधायक फंड से इस पुल को बनाया गया था। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तेज बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। जिले की उतावली नदी है, जिसमें बाढ़ का पानी आने से इसका स्तर बढ़ा है और लोग इस नदी को पार कर रहे हैं। बारिश ने छत्तीसगढ़ के एसईसीएल कोरबा गेवरा खादान में तबाही मचाई। पानी के साथ पथरीली मिट्टी खादान में पहुंची, कई मशीनें मिट्टी में दबी। कोयले के उत्पादन पर असर पड़ा। वायनाड में राहत और बचाव अभियान में जुटे सेना के 171 जवान का पंगोड़े मिलिट्री स्टेशन पर स्वागत हुआ। अभी भी 12 जवान वायनाड में ही तैनात हैं। केरल के कई जिलों में आफत बनकर बरसेंगे बादल। पलक्कड़ और मलप्पुरम में आज के लिए ऑरेंज अलर्ट है। कोझिकोड वायनाड में भारी बारिश की चेतावनी है। आज देश के किसानों को खास तोहफा देंगे पीएम मोदी। ज्यादा उपज वाली 61 फसलों की 109 किस्में जारी करेंगे, जहां किसान और वैज्ञानिकों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। स्टैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी की बनाई 8 फीट ऊंची आकृति। हर घर तिरंगा थीम पर आधारित है प्रधानमंत्री की कलाकृति। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या मामले में आईएमए ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। सीबीआई जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई। परिवार को 1 करोड़ रुपए मदद की है मांग। महिला डॉक्टर की हत्या पर पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा, सीबीआई सहित किसी भी एजेंसी से जांच कराने के लिए तैयार है। आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग करेगी सरकार। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार और बीजेपी विधायक अग्निमित्र पॉल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की, कहा अगर राज्य सरकार चाहेगी तो सीबीआई जांच के लिए भी तैयार। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने कहा, सबूतों के आधार पर एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मामले की एसआईटी जांच कर रही है। पूरे पोस्टमार्टम प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। 14 दिन के न्यायिक हिरासत पर भेजा गया आरोपी। पुलिस के मुताबिक अस्पताल का कर्मचारी नहीं है आरोपी, अस्पताल के कई विभागों में लेकिन उसका बेरोक टोक आना जाना था। शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या से पहले यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में मिला था महिला ट्रेनी डॉक्टर का शव। नाइट ड्यूटी पर थी महिला डॉक्टर। बांग्लादेश में सड़क पर उतरा हिंदू समुदाय। ढाका के रामबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। अंतरिम सरकार से देश भर में हिंदुओं की सुरक्षा बढ़ाने और मुहैया कराने की मांग। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधा विपक्ष पर निशाना, कहा वोट बैंक खिसकने के डर से बांग्लादेशी हिंदुओं के हालात पर विपक्षी दलों के साथी ने चुप्पी साध ली है। पीड़ितों के साथ खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी। बांग्लादेश के हालात पर बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार का बयान, 2 करोड़ से ज्यादा हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, परेशान किए जा रहे हैं, लोगों की मदद होनी चाहिए। बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ ने बढ़ाई चौकसी। कूचबिहार सीमा पर हालात पर नजर बनाए हुए हैं, जवानों की तैनाती है। जीरो पॉइंट पर लगातार संख्या में जमा हो रहे हैं बांग्लादेशी नागरिक।
बांग्लादेश में बिगड़े हालात का भारतीय बाजार पर असर दिखा है। मसाला इंपोर्ट एक्सपोर्ट फेडरेशन के सचिव जितिन गांधी ने कहा, व्यापार फिलहाल पूरी तरीके से बंद।